दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय अमनदीप हॉस्पिटल पठानकोट। जिला में अब बाजार रात 8 बजे बंद होंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट, बढ़ावे आदि रात 10 बजे तक खुल सकेंगे। सरकार के आदेशों के बाद तत्काल प्रभाव से जिला में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि दुकानदारों व लोगों को कोविड नियमों की पालना सुनिश्चित बनानी होगी। यदि निरीक्षण के दौरान किसी दुकान में कोविड नियमों की अवहेलना पाई जाती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने दी। उन्होंने बताया कि जिला व प्रदेश में आवाजाही के लिए ई कोविड पास की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली जुलाई से इंटरस्टेट बस सेवा भी 50% क्षमता के साथ शुरू होने जा रही है। उन्होंने बताया पहली जुलाई से तमाम धार्मिक संस्थान भी खोले जा रहे हैं। हालांकि धार्मिक संस्थानों में जागरण व भजन कीर्तन करने की मनाही रहेगी। हमारे जैसे हमें सभी को विदित है कि प्रदेश में कोविड की स्थिति जो है अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले कुछ समय से कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन लगातार कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं आ रहे हैं। जिले में अभी भी लगभग 241 केसेस जो हैं पॉजिटिव हैं, और उसमें से 32 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। लेकिन कोविड के साथ साथ जो है लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो, इस करके कल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कुछ और रिलैक्सेशंस अलाउ की हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें, और उसी अनुरूप डीडीएम में चंबा के आदेश भी जो है जारी हो गए हैं। और उसमें पहले जो मार्केट्स थी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलती थी, लेकिन अब तुरंत प्रभाव से जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं या दूसरी दुकानें हैं, वो शाम को जो है 8 बजे तक खुली रहेंगी। और इसके अलावा जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ईटिंग प्लेसेस हैं, ये भी जो है ज़्यादा देर तक अब खुले रहेंगे और रात को जो है 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। लेकिन सभी जगह जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करना आवश्यक है। यदि कहीं पर कोविड के नियमों की अनुपालना नहीं होती तो जो हमारे अधिकारी हैं वो उस संस्थान को, चाहे वो दुकान है चाहे वो रेस्टोरेंट है, उसको 1 हफ्ते तक के लिए बंद कर सकते हैं। तो सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जब वो शॉपिंग के लिए जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, मॉल्स में जाएं या बार्स में जाएं, तो जो सोशल जो डिस्टेंस है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना करें। सरकारी दफ्तर भी अब पहली जुलाई से जो है वो 100% अटेंडेंस के साथ काम करेंगे, ताकि लोगों को उनके कामों का जो है निपटारा हो सके, लोग ऑफिस में अपने कामों के लिए आ सकते हैं। जो बसेस हैं अभी विदिन डिस्ट्रिक्ट चल रही थी और 50% कैपेसिटी के साथ चल रही थी, पहली जुलाई से जो बसेस हैं वो दूसरे राज्यों में और दूसरी जगह पे भी जा सकती है, 50% उसमें टोटल कैपेसिटी रहेगी। अभी तक प्रदेश में एंट्री के लिए कोविड ई पास की अनिवार्यता थी, लेकिन इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी प्रदेश में, जिले में बिना ई पास के एंटर कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे फंक्शंस हैं, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें भी थोड़ी ढील दी गई है। अब 50% तक, अगर इंडोर में अगर कोई फंक्शन है तो उसमें 50% और मैक्सिमम जो है 50 लोग, इससे ज़्यादा जो है इंडोर में शामिल नहीं हो सकते किसी भी फंक्शन में। अधिक से अधिक जो है 50 लोग होंगे, लेकिन अगर मान लिया हॉल की कैपेसिटी जो है वो 40 है तो उसमें 20 ही शामिल हो सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी का 50% और मैक्सिमम जो है वो 50 लोग ही शामिल होंगे। इसके अलावा जो फ्यूनरल्स हैं या इस तरह की सेरेमनीज हैं उसमें भी 50 लोग शामिल होंगे। और इन इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो कोविड के नॉर्म्स हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं या इस तरह के और स्पोर्ट्स के जो केंद्र हैं, उनमें भी 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है ये कार्य करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो है जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं या और प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, वो पहली जुलाई से जो हैं लोगों को लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे, लेकिन उसमें किसी तरह से भी कीर्तन, भजन और जगराता
ये करने के मनाही रहेगी। कीर्तन भजन जगराता नहीं होगा, केवल आप दर्शन के लिए मंदिरों में जा सकते हैं। तो ये नई रिलैक्सेशंस हैं जो सरकार ने दी हैं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग जो हैं कोविड के जो बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि कोविड बिल्कुल हमारे बीच में है और यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो हमारी पॉजिटिव केसेस की दर है वो उसमें वृद्धि हो सकती है और आने वाले समय में फिर सरकार जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। तो अगली कोविड वेव, जैसे सभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो है आ सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी जिम्मेवारी से बिहेव करते हैं, किस तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हैं। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि मार्केट में जाएं, कहीं फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें तो हमेशा फेस मास्क पहने, सब एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के रखें और भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, अनावश्यक जो है घरों से बाहर ना निकलें, खासकर जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। और एक मेरी और लोगों से निवेदन रहेगा कि अभी वैक्सीनेशन का काम काफ़ी जोरों पे चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। और जितने लोग ज़्यादा वैक्सीनेट होंगे मुझे लगता है उतने जल्दी हम कोविड के जो फैलने का जो संक्रमण है उसको रोकने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट।